नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी 2024 की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हर माह दो एकादशी व्रत आते हैं। पौष माह का एकादशी व्रत 21 जनवरी रविवार को है। पौष माह में आने वाले एकादशी व्रत को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का इतना अधिक महात्म्य है कि इसको रखने वाला जीवन में हर सुख प्राप्त करता है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। पौष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है। भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित होता है। इस दिन श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, परंतु यह मान्यता है कि निःसंतान व नविवाहित इसे करें तो उनको पुत्र की इच्छा पूरी होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूँगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवरों के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।